टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और भारत को 2011 में विश्व विजेता का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मैन ऑफ द सीरीज रहे युवराज सिंह ने 2018 के लंबे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 37 वर्षीय युवराज सिंह ने अपने दमदार बल्लेबाजी और फील्डिंग के दम पर टीम इंडिया को कई मुकाबले जीता है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात के ऐलान करते हुए कहा कि जब वो कैंसर पीड़ितों की मदद करेंगे। युवराज के साथ उनकी पत्नी हेजल और मां शबनम भी मौजूद रही। युवराज ने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज 2000 में केन्या के खिलाफ किया था और 2003 के वर्ल्ड कप में भी दमदार प्रदर्शन किया था। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर युवराज ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी अपना अहम योगदान दिया था। इसी सीरीज में उन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर सभी का दिल भी जीत लिया था। मई 2011 के विश्व कप में जब भारत चैंपियन बना था तो भला युवराज सिंह के योगदान को कोई कैसे भूल सकता है। जब कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ते हुए खून की उल्टियां करते हुए उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप दिलाया था। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने 9 मैचों में 90 के जबरदस्त औसत से 362 रन बनाए थे। उन्होंने 15 विकेटें भी झटके थे। हालांकि इसके बाद युवराज के करियर में उतार चढ़ाव आते रहे और 2015 के विश्व कप में भी वो टीम का हिस्सा नहीं रह सके थे। आपको बता दें कि युवराज सिंह ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 40 टेस्ट मैच खेले और 1900 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 3 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं। जबकि वनडे मैच की बात करें तो युवराज ने 304 वनडे मुकाबलों में 87 के औसत से 8701 रन बनाए, जिसमें 14 शतक और 52 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं T20 में भी युवराज का आंकड़ा लाजवाब है, जहां उन्होंने 58 मैचों में 1177 रन बनाए और 8 अर्धशतक जड़े हैं। युवराज सिंह ने अपने करियर का आखिरी वनडे मुकाबला 30 जून 2017 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था।